हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई लेवल कंप्यूटिंग। मेरा नाम नटराज है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में डिस्कशन किया था। दोस्तों, आज हम होम टैब के ही अंदर स्लाइड्स ग्रुप के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो फिर चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्लाइड्स ग्रुप में यहाँ पर पहला कमांड है न्यू स्लाइड्स। इसका मतलब आप यहाँ पर कई सारे स्लाइड्स इंसर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी यहाँ पर एक स्लाइड है, फिर भी अगर हम एक नया स्लाइड लेना चाहते हैं तो हम इस कमांड के ऊपर जाके मोर बटन के ऊपर प्रेस करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक पॉपअप विंडो खुल जाता है और यहाँ पे आप लोग जो भी नया स्लाइड्स लेना चाहते हैं उसका लेआउट चूज़ करके क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको इस तरह का लेआउट का एक नया स्लाइड चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको इस तरह का लेआउट वाला नया स्लाइड चाहिए तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, या अगर आपको ब्लैंक वाला चाहिए तो आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों, फिलहाल मैं यहाँ पर इस लेआउट के स्लाइड के ऊपर क्लिक करता हूं और हमें ये वाला स्लाइड अभी नया स्लाइड आ जाएगा। देखिए, क्लिक किया मैंने, यहां पे ये वाला नया स्लाइड आ चुका है और आप यहां पे इसका लेआउट देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह से आया है। दोस्तों, अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर इस तरह का लेआउट आपको सेलेक्ट करने के बाद भी अगर पसंद नहीं आया तो आप यहाँ पर दूसरा कमांड जो है लेआउट का कमांड, इसके ऊपर जाके इसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे देखिए फिर से वही पॉपअप विंडो ओपन हो जाता है वही ऑप्शंस के साथ। आप चाहे तो अब यहाँ पे दूसरा लेआउट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सेलेक्टेड स्लाइड ब्लैंक चाहिए तो आप यहाँ पे ब्लैंक ऑप्शन को क्लिक करके लेआउट को हटा के ब्लैंक स्लाइड बना सकते हैं। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए दोस्तों, ये जो हमारा स्लाइड लेआउट के साथ आया था अभी ये ब्लैंक हो चुका है। इस तरह से हम अपने प्रेजेंटेशन में कई सारे स्लाइड्स इंसर्ट कर सकते हैं या फिर उनके लेआउट भी चेंजेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं फिर से और एक स्लाइड ले लेता हूँ। यहाँ पे न्यू स्लाइड के ऊपर जाके मैं ये वाला स्लाइड ले लेता हूँ। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये स्लाइड अभी यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है और आप देख रहे हैं इसका लेआउट कुछ इस तरह से है। अब मैं दोस्तों क्या करता हूँ, इसको थोड़ा ड्रैग कर देता हूँ। देखिए, ऊपर की तरफ मैंने इसको ड्रैग किया और इसको थोड़ा नीचे की तरफ ड्रैग करता हूँ। मैं ड्रैग इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों ताकि आपको ये नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है रीसेट का ऑप्शन, इसको ठीक से समझा सकूँ। दोस्तों देखिए, मैंने इसका लेआउट अभी थोड़ा चेंज कर दिया है। अगर मुझे ये वाला लेआउट पहले जैसा था वैसे ही चाहिए तो मैं यहाँ रीसेट के ऊपर अगर क्लिक कर दूँ तो वो पहले जैसे ही लेआउट में आ जाएगा। दोस्तों, हालांकि मैंने उसको यहाँ तक ड्रैग करके रखा है और इसको भी यहाँ नीचे तक ड्रैग करके रखा है, फिर भी मैं यहाँ पर रीसेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ तो वो स्लाइड का लेआउट फिर से रीसेट होके पहले जैसा हो जाएगा। देखिए, मैं इसके ऊपर अभी क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये स्लाइड का लेआउट अभी फिर से रीसेट होके इसके डिफ़ॉल्ट लेआउट में आ चुका है। इस तरह से दोस्तों हम रीसेट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने बोला था, यहाँ पे क्लिक करके हम टाइटल ऐड कर सकते हैं या फिर यहाँ नीचे क्लिक करके हम सब टाइटल भी ऐड कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर टाइटल ऐड करके दिखाता हूँ और सब टाइटल को भी ऐड करके दिखाऊँगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाई लेवल कंप्यूटिंग और मैं सब टाइटल में लिखता हूँ दोस्तों कंप्यूटर एजुकेशन। इस तरह से हम टाइटल और सब टाइटल को इस लेआउट में लिख सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इन स्लाइड्स में कुछ ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट करना चाहे तो भी हम आसानी से इंसर्ट कर सकते हैं। हम चाहे तो यहाँ पे शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स जैसे ऑब्जेक्ट्स होम टैब में ही रह के ऐड कर सकते हैं। चलिए, मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ। मैं पहला वाला स्लाइड सेलेक्ट करता हूँ। देखिए दोस्तों, मुझे क्या करना होगा, ड्राइंग ग्रुप में जाके यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं, शेप्स हैं, टेक्स्ट बॉक्स हैं, ऐसे यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं मोर बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे शेप्स हमें मिल जाएंगे। इनको हम इस स्लाइड में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, जब हम इस ग्रुप में आएंगे तो आपको डिटेल सब कुछ बता दूंगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ। देखिए, मैं ये शेप सेलेक्ट करके यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ। यहाँ पर एक शेप आ गया और दोस्तों मैं यहाँ पर दूसरा स्लाइड सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जाके मैं और एक शेप ले लेता हूँ। मैं भी ए वाला शेप ले लूँगा। देखिए दोस्तों, हमारा ये जो शेप है ये फर्स्ट स्लाइड में है और दूसरे स्लाइड में ये वाला शेप है दोस्तों, और हमारा तीसरे स्लाइड में टाइटल और सब टाइटल है। और दोस्तों, यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला कमांड है सेक्शन कमांड, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर कुछ दो तीन स्लाइड्स एक्स्ट्रा ले लेता हूँ। चलिए, मैं इस न्यू स्लाइड के ऊपर ही जाता हूँ और ब्लैंक स्लाइड्स ले लेता हूँ।
चलिए मैंने तीन स्लाइड्स यहाँ पे न्यू स्लाइड्स ले लिया है। अब मैं इनको भी थोड़ा ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर देता हूँ। लास्ट वाला स्लाइड को भी मैं अब ऑब्जेक्ट इंसर्ट करूँगा। देखिए दोस्तों, अब आपको ये सभी स्लाइड्स डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे होंगे, ठीक से समझ में आए। दोस्तों अब चलिए इस ऑप्शन पे चलते हैं। ये कमांड का नाम है सेक्शन कमांड। मैं इसके सामने जो एरो मार्क है यानी कि यहाँ पे जो मोर बटन है इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन है ऐड सेक्शन का ऑप्शन, मतलब हम ये जो स्लाइड्स है इनमें सेक्शन बना के यूज़ कर सकते हैं। हमें कहाँ से कहाँ तक सेक्शन बनाना है हमें डिसाइड करके वहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट थ्री स्लाइड्स के बाद में एक सेक्शन डिवाइड करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक लाइन आ चुका है। अब मैं इस सेक्शन कमांड पे जाके यहाँ पे ऐड सेक्शन के ऊपर अगर क्लिक कर दूँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो सेक्शन आ चुके हैं। पहला वाला डिफॉल्ट सेक्शन और दूसरा वाला अनटाइटल्ड सेक्शन। ये जो अनटाइटल्ड सेक्शन है इसको हम यहाँ पे रीनेम करके नया नेम दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसको मैं फाइनल ईयर दे देता हूँ और आप समझ लो ये सेक्शन में जो भी स्लाइड्स हैं वो सभी फाइनल ईयर के हैं। तो मैं यहाँ पे रीनेम क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो सेक्शन है नया सेक्शन इसका नाम अभी फाइनल ईयर हो चुका है और यहाँ पे पहला वाला सेक्शन जो था वो डिफॉल्ट सेक्शन है और उसको भी हम रीनेम कर सकते हैं। दोस्तों चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करके सेक्शन कमांड के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे रीनेम सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। हम आसानी से उसको भी रीनेम कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहाँ पे इसका नेम चेंज करके फर्स्ट ईयर दे देता हूँ और यहाँ पे रीनेम क्लिक कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से दो सेक्शंस हो चुके हैं। दोस्तों मान लीजिए अगर यहाँ पे सेमिनार चल रहा है और आप फर्स्ट ईयर के हैं तो आपको फाइनल ईयर की ये जो स्लाइड्स है इनकी तो ज़रूरत नहीं है, इसलिए आप इनको मिनिमाइज़ करके रख सकते हैं, मतलब आप इसको कोलैप्स करके रख सकते हैं। देखिए अब आपके जो फर्स्ट ईयर के जो स्लाइड्स थे सिर्फ वो ही आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। आप अब इसके ऊपर आराम से सेमिनार दे सकते हैं। अब मान लीजिए आपका सेमिनार ख़त्म हो चुका है और फाइनल ईयर वाले आ गए हैं तो आपको ये जो फर्स्ट ईयर का सेक्शन है इसको कोलैप्स करना होगा। देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये भी कोलैप्स हो गए हैं। अभी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स आएंगे वो इसके ऊपर अगर क्लिक करेंगे तो उनके जो स्लाइड से ओपन हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, इस तरह से वो लोग इनके ऊपर सेमिनार कर सकते हैं और बाद में उनका काम हो जाने के बाद वो इस सेक्शन को कोलैप्स करके रख सकते हैं। दोस्तों यही दो ऑप्शंस सेक्शन में होते हैं। देखिए यहाँ पे कोलैप्स ऑल और एक्सपांड ऑल, अभी ये सब कोलैप्स हुए हैं। अब मैं अगर इनको एक्सपांड करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। देखिए दोस्तों, ये अब दोनों सेक्शंस एक्सपांड हो चुके हैं। अगर मैं फिर से इनको कोलैप्स करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये अब दोनों सेक्शंस कोलैप्स हो चुके हैं। इस तरह से हम कोलैप्स ऑल और एक्सपांड ऑल को यूज़ कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं सेक्शन हेडिंग के ऊपर अगर क्लिक कर देता हूँ तो ये सेक्शन कमांड में और एक ऑप्शन ऑन हो जाता है, वो है रिमूव सेक्शन। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे ये वाला सेक्शन को रिमूव कर सकता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे रिमूव करके दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, वो जो सेक्शन हमने बनाए थे तीन स्लाइड के बाद में वो अभी रिमूव होके पहले सेक्शन को ही ऐड हो चुके हैं। चलिए मैं फिर से अंडू प्रेस कर देता हूँ। अब दोस्तों सेक्शन कमांड में और एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव ऑल सेक्शंस। अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये जो सेक्शन आपने यहाँ पे बनाए हैं दो सेक्शन वो पूरे चले जाएंगे। देखिए मैं इसके ऊपर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, अभी पूरे सेक्शंस हमारे यहाँ से हट चुके हैं, मतलब अब इन स्लाइड्स में कोई सेक्शन नहीं रहा। दोस्तों इस तरह से हम स्लाइड्स ग्रुप का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में और एक ग्रुप के साथ फिर मिलेंगे। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करते करते सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल का आइकॉन है उस पर प्रेस करना ना भूले। जैसे ही हम नए नए वीडियोस अपलोड करते रहेंगे तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।
दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में विजिट करते हैं तो आपको वहाँ पे कई सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जैसे कि एजुकेशन का वीडियोस, ट्रैवलिंग वीडियोस, नेचुरल वीडियोस, इस तरह के आपको कई सारे वीडियोस की लिस्ट वहाँ पे मिल जाएगी। आप उन वीडियो को देख सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।